मैं इब्राहिम खान, इखलास अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं बल्कि मारना चाहता था। और इनफैक्ट आप लोग ये मेरा काम करोगे आज और अभी। आपके घर में जब कॉकरोच घुस जाता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उसे मारते हैं, पालते नहीं। और ये चारों मेरे घर गंदा कर रहे थे तो आज मुझे इन कॉकरोच से अपना घर साफ करना है। मैं वो हूँ राठौर साहब जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूँ जो आज ड्यूटी जाता है तो उसकी बीवी को लगता है कि वो जंग पे जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। बार बार कॉल करके पूछती रहती है कि खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, चाय पी कि नहीं पी। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ। मैं वो हूँ राठौर साहब जो आज किसी के हाथ में तस्बीह देखता है तो डर जाता है। मैं वो हूँ राठौर साहब जो आज दाढ़ी बढ़ाने से डरता है, टोपी लगाने से डरता है। मैं वो हूँ राठौर साहब जो आज अपनी दुकान खोलने के लिए नाम रखने से डरता है कि कहीं कोई किसी के नाम से मेरी आज डंगे में दुकान न जला दे। दरअसल लड़ाई किसी की भी हो, मरता मैं ही हूँ। आपने राठौर साहब भीड़ तो देखी होगी ना, भीड़ में से कोई एक भी शख्स चुन लीजिए, वो मैं हूँ। आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन। कैसे जाग गया? तकलीफ हो रही है, नहीं जागना चाहिए था। ऐसी घुट घुट की जिंदगी जीना चाहिए था। और ये अचानक से नहीं हुआ राठौर साहब, ये ना बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर बीवी बच्चों में टाइम ही नहीं मिल पाया। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और वो कॉकरोच भी आज ही मरेगा। एक मैंने लॉटरी डाली, उसमें से इन चारों का नाम आया। धमकी तो इसीलिए दी है ना राठौर साहब, जाहिर सी बात है आज ना तो कल इन लोगों को मरना ही था। क्योंकि आज कोई अखला के मत आएगा, पहले उसने ट्रेन में मारा था, आपके बस में मारेगा। और इनफैक्ट तब तक मारता रहेगा तब तक ये लोग अपने आप जवाब देना ना सीख जाए। इससे मेरे मजहब का कोई लेना देना नहीं है राठौर साहब। हाँ डर लग रहा है,